सांसद रवि किशन के साथ 3.25 करोड़ रुपए की ठगी, कारोबारी के खिलाफ करवाया केस दर्ज। मुंबई की कारोबारी पर 3.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, योगी की पुलिस कर रही है जांच। योगी राज में उनके ही सांसद से हो गई करोड़ों की लूट, अब क्या एक्शन लेंगे सीएम योगी। योगी राज में उनकी सरकार के सांसद के साथ करोड़ों की लूट हो जाए तो ये तो योगी के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात है। अगर करोड़ों की ठगी की है तो योगी उससे भुगतान तो करा के रहेंगे, और ये ठगी किसी और के साथ नहीं बल्कि योगी के ही गोरखपुर में जगह लेने वाले भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन के साथ हुई है। जी हाँ, सांसद रवि किशन के 3.25 करोड़ रुपए मुंबई के व्यापारी ने हड़प लिए। हैरानी की बात यह है कि रुपए लौटाने के लिए व्यापारी द्वारा सांसद को चेक दिया गया था जो कि बाउंस हो गया। जिस गोरखपुर को योगी ने बरसों संभाला उस गोरखपुर की जिम्मेदारी संभालने वाले रवि किशन ने एक बिल्डर पर 3.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मामले की शिकायत गोरखपुर के कैंट थाने में दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनसे एक बिल्डर ने 3.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 10 साल पहले रवि किशन से एक बिजनेसमैन ने उनसे रुपए उधार लिए थे जो कि वो लंबे समय से लौटा नहीं रहा था। जब व्यापारी पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया गया तो उसने 7 सितंबर 2010 को 34,12,000 चेक दिए, लेकिन 6 फरवरी 2022 को बैंक के अधिकारियों ने लेटर लिखकर जानकारी दी कि जिस बैंक अकाउंट का चेक दिया गया है उसमें रुपए नहीं है। इस मामले में आरोपी की तरफ से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिलने पर 27 सितंबर को व्यापारी के खिलाफ रवि किशन ने केस फाइल कर दिया। चेक बाउंस होने के बाद सांसद साहब रमेश से बार बार पैसे मांग रहे थे लेकिन रमेश उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। इस धोखाधड़ी ने रवि किशन को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान कर दिया है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सांसद रवि किशन को इस ठगी से बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में अपनी परेशानियों को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि उनकी मां कैंसर से पीड़ित है, मुंबई के टाटा कैंसर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से परिवार में अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य समस्याओं से लगातार संघर्ष चल रहा है। वर्तमान में मेरी पूजनीय माता भी कैंसर की बीमारी की चपेट में है जिनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है, महोदय कृपा करें। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से सांसद रवि किशन परेशान ही चल रहे हैं। पहले माँ की बीमारी को लेकर अब 3 करोड़ की उनके साथ ठगी। 3.25 करोड़ रुपए की ठगी कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। उसमें रवि किशन की योगी की पुलिस कैसे सांसद रवि किशन से ठगी करने वालों से निपट पाती है, आपको क्या लगता है? क्या योगी की पुलिस रवि किशन से ठगी करने वालों को पकड़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें।